Assalamualaikum, dear students. Dear students, we were studying a chapter, acids, bases and salts. And in this chapter, we have studied about acids, bases and their classification. And my dear students, later on, we have discussed about the theories of acids and bases. There were three theories. One was Arrhenius concept. Second one was Bronsted-Lowry concept. And third one is Lewis concept of acids and bases. My dears, you know, Arrhenius का जो concept है, उसने कहा कि acid वो होता है जो H positive ions देते हैं aqueous solution में, base वो होता है जो OH negative ions देता है aqueous solution में. शाबाश में उनको बोल. तो याद रखिएगा, for example अगर HCl की बात करेंगे, HCl देता है H positive ion और Cl negative ions aqueous solution में, तो HCl acid बन गया. इसी तरह H2SO4 sulfuric acid की बात करेंगे, ये देता है twice H positive SO4 double negative aqueous solution में. तो HCl ने एक H positive दिया, H2SO4 ने दो H positive दिए. इसी तरह phosphoric acid एक acid है H3PO4, इसने 3 H positive ions दिए. समझ है फर्मियोन बेटा, इसने 3 H positive दिए, इसने 2 दिए, इसने 3 दिए. तो जिसने 1 H positive दिया, वो acid जो 1 H positive ion देता है उसको हम कहते हैं monoprotic acid, और हम कहते हैं इसको monobasic acid. वो एसिड जो दो H पॉजिटिव आयन्स देते हैं उसको कहते हैं डाइप्रोटिक एसिड, या कहते हैं उसको डाइबेसिक एसिड. इसी तरह म्यूमन जिगर, जिस तरह फास्फोरिक एसिड है इसको फास्फोरिक एसिड कहते हैं. फास्फोरिक एसिड ने 3 H पॉजिटिव दिए तो इट इज कॉल्ड ट्राइप्रोटिक एसिड, और हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड. जिगर में ये आप जानते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, एक एच पॉजिटिव देता. इसी तरह जो बेस है, बेस को ही देता, फॉर एग्जांपल NaOH है, ये बेस है, ये OH देता है एक्वस सॉल्यूशन में, KOH है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये OH देता है. इसी तरह MgOH का होल 2, ये 2 देता है. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, ये 3 हाइड्रोक्साइड देता है. तो इस बेस को हम कहते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा, इसको कहते हैं मोनो एसिडिक बेस. इस वाले को कहते हैं डाई एसिडिक, बिकॉज इट गिव्स 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स, डाई एसिडिक बेस. एंड इस वाले को कहते हैं ट्राई एसिडिक बेस, इट इज कॉल्ड ट्राई एसिडिक बेस. तो जिगर में ये आपको पता होना चाहिए. फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस आई, इट वाज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशंस. फिर इसने कुछ का एसिडिक नेचर एक्सप्लेन नहीं किया, लाइक CO2, SO2, BF3, AlCl3, उनका एक्सप्लेन करना नहीं आया, जो हमने आर्हिनस कांसेप्ट में पढ़ा. फिर म्यूमन जिगर याद रखिएगा, फिर हमने ब्रॉनस्टेड-लॉरी कांसेप्ट पढ़ा. ब्रॉनस्टेड-लॉरी कांसेप्ट में आपको ये रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा था. ब्रॉनस्टेड-लॉरी कांसेप्ट ने कहा कि एसिड होता है प्रोटॉन डोनर एंड बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर. और फिर मैंने आपको कहा जब एसिड प्रोटॉन लॉस करता है वो बेस में कन्वर्ट होता है, और जो बेस H पॉजिटिव पकड़ता है, प्रोटॉन पकड़ता है, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको हमने कंजुगेट पेयर्स बोले. तो फिर मैंने आपको कहा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक कंजुगेट बेस होती है, और वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होती है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ये जो कंसेप्ट है ये दिया है एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है जियन लेविस. इसने ये कॉन्सेप्ट दिया है 1923 में. इसने दिया है ये 1923 में ये कॉन्सेप्ट, जिसको हम लेविस कॉन्सेप्ट बोलते हैं.
ये कंसेप्ट क्यों आया, लेविस कंसेप्ट का ओरिजिन क्यों आया, ये देखो म्यूनजिगर जो आर्हिनस कंसेप्ट है, ब्रॉनस्ट लॉरी कंसेप्ट है, जो आर्हिनस एंड ब्रॉनस्ट लॉरी कंसेप्ट है, इन्होंने सारे एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसलिए फिर लेविस कंसेप्ट आया ताकि सारे जो एसिड्स बेसिस है वो फुली एक्सप्लेन हो जाए, समझ है बंदे म्यूनजिगर। तो फिर लेविस ने क्या कहा एसिड्स के बारे में, इसने कहा लेविस ने एसिड्स के बारे में कहा, बोला कि एसिड इज अ सबस्टेंस, एसिड इज अ सबस्टेंस दैट हैज टेंडेंसी एक्सेप्ट अपीयर ऑफ इट, क्या कहा लेविस ने, क्या कहा एसिड्स के बारे में, he told us that acid is a substance that has tendency to accept the pair of electrons, that has tendency to accept the pair of electrons, so this means they are electron deficient, लेविस एसिड्स पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर से मैं कह रहा हूं एसिड वो सब्सटेंस है that has tendency to accept a pair of electron, जिसको tendency होती है accept electron pair करने की, for example मैं उनके कर BF3, boron trifluoride, AlCl3, aluminum fluoride, they act as Lewis acids because ये electron deficient होते हैं, ये electron deficient होते हैं, for example if we are talking about BF3 boron trifluoride, बोरान का एटॉमिक नंबर जो है इट इज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है 1 2 एंड 3, तो फ्लोरीन क्लियन अटैच है इसके साथ 1 2 एंड 3, आप जानते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है 2 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 एंड 7, 2 2 4 2 6 एंड 7, इसी तरह फ्लोरीन का 2 2 4 2 6 एंड 7, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा B single bond F, single bond F, single bond F, B single bond F, single bond F, single bond F. आप देखोगे इस boron में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये central atom जो है it is electron deficient. तो this means BF3 acts as Lewis acid. इस BF3 को हम Lewis acid कहते हैं. इसको हम लेविस एसिड कहते हैं। याद रखिए इस लेविस कांसेप्ट में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं, दैट इज लेविस कांसेप्ट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट। होता क्या है एसिड, क्या सबस्टेंस होता है जो डोनेट करता, जो क्या म्यूनजिगर एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, BF3LC दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर लेविस एसिड्स, जिस तरह BF3 में हमने देखा बोरान को 3 और 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत होते हैं और ये स्टेबल हो जाता है, इसी तरह बेसिस की अगर हम बात करेंगे, लेविस बेसिस की अगर बात करेंगे, बेस किसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस, देखिए बेटा इसमें क्या था, बेस इज ए सबस्टेंस, बेस इज ए सबस्टेंस दैट हैज tendency, that has tendency to donate electron pair, that has tendency to donate electron pair. शाबाश मैं उनकी कर base at Lewis base किसको कहते हैं, ये Lewis का concept है, Lewis ने क्या कहा base के बारे में, बोला base वो substance है that has tendency to donate electron pair, जो electron pair donate करता है, जो हमें electron pair देता है, like NH3 जिसको हम अमोनिया कहते हैं, अमोनिया, अगर हम अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं इट इज नाइट्रोजन अटैच्ड विद 3 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 2 एंड 5, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं बेटा 1 2 3 एंड 4, दिस इज 5, ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, यहां पे बना n सिंगल बॉन्ड h, सिंगल बॉन्ड h एंड सिंगल बॉन्ड h,
और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स रहे इनको हम कहते हैं लोन पेयर्स. क्या कहते हैं? लोन पेयर्स. तो ये लोन पेयर किसी को दे सकता है. दैट इज व्हाई दिस विल एक्ट एज लेविस पेयर्स. दिस विल एक्ट एज लेविस पेयर्स. समझ आए बोल मैं जिक्र याद रखिएगा क्या मैंने कहा. लेविस पेयर्स वो सब्सटेंस होता है जिसको टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. जस्ट लाइक अमोनिया NH3 डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो देता है उसको कहते हैं लेविस पेयर्स. बिकॉज इसमें लोन पेयर्स होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. अब बेटा याद रखना है, अब बेस देता है, एसिड पकड़ता है. देखिए ये कैसे है. ये बेस कोई, मैं ऐसे ही रिज्यूम करता हूँ, ये बेस है, इस पर कोई लोन पेयर है, इसको देना है ये एसिड को. एसिड ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये एसिड है, ये बेस है. बेस देगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको? एसिड को. मगर कैसे देगा? यहाँ पे एक स्पेशल बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये जो यहाँ पे मैंने ये सर्कल में डाला ना ये बी, ये जो डाला मैंने ये एरो, इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जब एक बेस एसिड को देता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये एक किस्म का कोवलेंट बॉन्ड है. ये एक किस्म का कोवलेंट बॉन्ड है. इसकी मैं एग्जांपल दूंगा और फिर इंशाल्लाह एक टॉपिक हम खत्म करेंगे. देखिए देखिए बेटा, दिस इज NH3, ये अमोनिया है, ये आप जानते हैं. इस अमोनिया के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको ये देना है किसको? BF3 को, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को. ये एसिड है, ये बेस है. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देना है. अब जब नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफर कर देता तो ये अनस्टेबल खुद हो जाएगा बिकॉज इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं रहेंगे. तो यहां पर ऐसा कुछ करना है, ये शेयर होने चाहिए दोनों के दरमियान. इसके भी 6 आएंगे, इसके भी 8 आएंगे, बोरान के भी, इस नाइट्रोजन भी स्टेबल होना चाहिए. मगर आप जानते हैं अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में दोनों शेयर करते हैं. देखो H2 के दरमियान जब बॉन्डिंग होती है दोनों शेयर करते हैं, ये भी करता है, ये भी करता है. मतलब डोनर्स दोनों होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है. ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर दोनों के दरमियान शेयर होता है. लेकिन यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं, ये तन अगर ये भी शेयर करता है, ये भी शेयर करता है, इसको और कम हो जाते हैं. तो ये तो अपर टेंडेंसी रोजन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे ऐसे बनेगा, M सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F. सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है याद रखिएगा. Coordinate bond is that type of covalent bond. First of all, you should keep in mind this coordinate bond is a type of covalent bond. In coordinate bond, mion gubur, electron pair is shared between two elements. It is shared between two elements, but it is donated by only one element. Donated, it is shared electron pair. In coordinate bond, electron pair is shared between two elements but donated by only one element. गोबर्नियों ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके भी है, ये एक दोनों के दरमियान शेयर है. मगर डोनर एक ही है, डोनर यहाँ पे अमोनिया है, NH3 है, नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर है और BF3 एक्सेप्टर है. तो ये एसिड बन गया, ये बेस बन गया. इसका मतलब ये है जब लेविस एसिड और लेविस बेस आपस में अप्रोच करती है, जब ये आपस में इनको मिलना है तो वहां पे बनता है एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगर कोई कहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इट इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एलिमेंट्स बट डोनर इज ओनली वन. कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग दोनों के दरमियान होती है, डोनर्स दोनों होते हैं, दोनों शेयर करते हैं, ये याद रखिएगा. अब इसकी एक अब जो ये आर्गिनस जो ये लेविस कांसेप्ट है, ध्यान रखिए बेटा, इस लेविस कांसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस की अगर बात करेंगे हम, लिमिटेशंस की अगर बात करेंगे, जो HCl है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है,
जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, जिनको आर्हिनस एसिड आर्हिनस कंसेप्ट ने एसिड्स करार दिया था, दे आर एसिड्स। ब्रॉन लेविस ने इनको एक्सप्लेन करना नहीं आया। लेविस के अकॉर्डिंग ये बनाते ही नहीं है कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस मींस लेविस कंसेप्ट के रिलेटेड दीस आर नॉट एसिड्स, जो आर्हिनस ने एक्सप्लेन किया था। और दूसरा न्यूरॉन जिगर, याद रखिएगा एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो क्वाइट फास्ट होती है, एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट। मगर जो ये लेविस ने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कांसेप्ट दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन स्लो प्रोसेस है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो कांसेप्ट आया ये पूरा फिट नहीं हुआ बाकी एसिड्स के साथ, बिकॉज़ एसिड बेस रिएक्शंस जो है ये बहुत फास्ट है, फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्लो। तीसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस भी एक्सप्लेन करना नहीं आया किसको, लेविस को। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है कौन एसिड जल्दी एच पॉजिटिव देगा, मतलब किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब है कौन कितना स्ट्रांग है कौन कितना वीक है, कौन सी बेस, अगर हम बेसिस के बारे में कंपेयर करेंगे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है कौन एसिड, वो भी उसको एक्सप्लेन करना नहीं आया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लेविस कंसेप्ट, एक सेकंड में ये सारा रिपीट करूंगा। लेविस कॉन्सेप्ट 1923 में जेएन लेविस ने दिया, इसने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो न्यूरॉन जिगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फिर होता है, जिस तरह BF3 है AlCl3 है। बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन रिश्ते लोन पेयर उसको डोनेट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं पकड़े जाते हैं, दैट इज व्हाई लेविस कॉन्सेप्ट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब जब बेस एसिड को देता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो आपने पढ़ा समझे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब अल्लाह हाफिज़।